जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं आवाज आ रही है कि नहीं जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा तो कुमारी आवाज आ रही है चलिए तो चलिए जल्दी से जुड़ने का प्रयास करिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दें चलिए जो बहुत मार्केट गया था किताब uh... लाया था आप लोग जरूर है जो इसको जरूर खरीद लीजिएगा हमें जो इसको पढ़ रहे थे अभी हम इसको पढ़ रहे थे और बहुत सारा चीज है जो अंडरलाइन भी किए हैं हम तो आप है जो इसको जरूर खरीद लीजिएगा ये चीज को जरूर खरीद लीजिएगा आप इसको जरूर खरीद लीजिएगा आज हम मार्केट गए हुए थे तो हम किताब देखे तो मुझे जो ये किताब अच्छा लगा तो हम ले लिए हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है 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 ये जो जो दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण का वर्षिकांग है और बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में बहुत काम करेगा तो इसको जरूर खरीद लीजिएगा आप लोग इसको जरूर खरीद लीजिएगा ओके खरीद लीजिएगा खरीद लीजिएगा इसको जरूर खरीद लीजिएगा चलिए चलिए एकावन नंबर क्वेश्चन साइए किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन है जो किया जा सकता है विधानसभा के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा 51 का आंसर बताइएगा 51 का आंसर बताइएगा जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताइएगा 51 का आंसर क्या होगा जो 51 का आंसर है जो बताइएगा जो भी देख रहे हैं 51 का आंसर बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा जल्दी से बताइएगा बिहार परिषद है जो कौन से आर्टिकल में है और है जो दोस्तों इसको है जो विघटन करने के लिए क्या प्रोसेस है और कितने राज्यों में है जो है कितने राज्यों में है जल्दी से बताइएगा कितने राज्यों में है तीन क्वेश्चन फटा है फटाफट है जो बता दीजिएगा फटाफट है जो क्वेश्चन बताइएगा आप जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जल्दी से कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब चलिए हाँ फिफ्टी का सी आ रहा है और डी आ रहा है चलिए भैया कॉन्ट्राडिक्शन है आंसर में ही कॉन्ट्राडिक्शन है पहले पहलें क्वेश्चन में है जो अलग आ रहा है आंसर चलिए जल्दी से बताइएगा चलिए फिफ्टी वन का आ रहा है सही है विधानसभा की अनुशंसा पर है जो संसद करता है कैसे करता है क्या है जो प्रोसेस क्या है बताइएगा विधानसभा है जो कौन से समान बहुमत से विशेष बहुमत से कैसे करता है संसद कैसे करता है जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी से छह राज्यों में है बहुत बढ़िया है छह राज्यों में है कैसे है जो विघटन कैसे करता है इसको विघटन कैसे करता है विधान परिषद का विघटन कैसे होता है राज्य में कौन सी है जो दोस्तों है जो बहुमत से सामान्य बहुमत से विशेष बहुमत से कैसे है जो होता है जल्दी से बताइएगा अभी स्टेट स्टेट में में है है बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी से से कमेंट कीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा कैसे किया जाता है बता दीजिएगा कैसे है जो भंग किया जाता है इसको जल्दी से कमेंट कीजिएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कैसे भंग किया जाता है बताइए आंसर आना चाहिए अरे भैया विधानसभा में विशेष बहुमत से है जो पास किया जाता है विशेष बहुमत से पास किया जाता है और यह संसद में जाता है तो वहाँ पर है जो साधारण बहुमत से है जो इसे पास किया जाता है साधारण बहुमत से पास किया जाता है पूछेगा अब है जो बीपीएससी यही पूछेगा बीपीएससी यही पूछेगा ध्यान रखिएगा बीपीएससी अब यही पूछेगा बीपीएससी अब यही पूछेगा समझ लीजिएगा अब है जो क्वेश्चन यही पूछेगा आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन के वन सिक्सटी नाइन में है जो दोस्तों है जो विधान परिषद का है जो दोस्तों है जो विधान परिषद का प्रावधान है तो ये पूछेगा कि है जो विधानसभा विशेष बहुमत से पारित करके दोस्तों संसद उसे साधारण बहुमत से जो पारित करता है, है जो ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा <clears throat> चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं विधान विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए बिहार लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन आ गया चलिए बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल उन्नीस को हुई थी बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिन्हा थे बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री परमार रवु भाई रवि मनुभाई रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है एक तीन एक दो तीन दो तीन एक दो जल्दी से बताइएगा बीपीएससी से क्वेश्चन आ गया है बीपीएससी से विशेष बहुमत से और है जो संसद में जो सामान्य बहुमत है चलिए जल्दी से बताइएगा जो भी, like like जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भैया लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब ही साथ में करते जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब है जो साथ में जो करते जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब साथ में करते जाइएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताइएगा हम लोग फास्ट खींचना चाह रहे हैं फास्ट है जो जाएंगे आज फास्ट जाएंगे फास्ट जाएंगे चलिए फिफ्टी टू का बी आंसर आ रहा है फिफ्टी टू का बी आंसर आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया चलिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो होता है दोस्तों अगर कोई खर्च करती है तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत करती है बताया है बताया है कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है जो खर्च करेगी बताइएगा बामन का भी आंसर आ रहा है चलिए आंसर है जो देते जाइएगा आंसर है जो देते जाइएगा आंसर है जो देते जाइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना एक अप्रैल उन्नीस को ही बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिन्हा थे और वर्तमान में अध्यक्ष है श्री परमार रवि मनु भाई हैं जल्दी से बताइएगा आंसर कौन है जो फिफ्टी टू का बी आंसर आ रहा है आंसर है जो दीजिएगा एक दो तीन एक दो तीन चलिए बताइएगा जो लोकसभा का जो व्यय होता है दोस्तों है जो किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, है? किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है बताइएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है हमने बताया है बताया था चलिए चलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बिहार में अब तक कुल नौ बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उन्नीस सौ अड़सठ में लागू किया गया था बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2003 में लागू किया गया था उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं केवल एक असत्य कथन बताइएगा असत्य कथन बताइएगा चलिए केवल दो है एक और तीन है ऑप्शन है जो हम दे देंगे आपको चलिए सी ऑप्शन में सी ऑप्शन में हम दे देंगे आपको सी ऑप्शन में केवल सी ऑप्शन है दोस्तों केवल दो है और डी में है नन ऑफ दीज है चलिए बता दीजिएगा सी में केवल दो है और नन ऑफ दीज है जल्दी से बताइएगा आंसर जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो भी देख है रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चलिए बताइएगा बिहार में अब तक कुल नौ बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जून उन्नीस सौ अड़सठ में लागू किया गया था बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन दो हजार तीन में लागू हुआ था एक दो तीन केवल दो नन ऑफ दीज बताइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा चलिए 53 का आंसर बताइएगा 53 का आंसर बताइएगा क्या है जो 53 का आंसर बताइएगा जल्दी से बताइएगा सूरज सिंह जी का बी है फिफ्टी 52 का ही आ रहा है आंसर 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो फिफ्टी थ्री का आंसर बताइए जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा फिफ्टी थ्री का डी आ रहा है फिफ्टी थ्री का डी आंसर आ रहा है भैया फिफ्टी थ्री का डी आंसर आ रहा है फिफ्टी थ्री का डी आंसर आ रहा है चलिए जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा फिफ्टी थ्री का आंसर क्या है जो जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा फिफ्टी थ्री का डी आ आर फिफ्टी थ्री का डी आ आर फिफ्टी थ्री का है जो डी आंसर आ रहा है फिफ्टी थ्री का डी आंसर आ रहा है चलिए चलिए बताते हैं बिहार में अब तक है दोस्तों है जो आठ बार आठ बार है जो राष्ट्रपति शासन लगा है आठ बार लगा है प्रथम बार जून उन्नीस सौ अड़सठ में लगा था जून उन्नीस सौ अड़सठ में लगा था बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन दो हजार पांच में लगा है केवल दो है जो ऑप्शन सही 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 है केवल दो है जो जून है जो छब्बीस जून उन्नीस सौ अड़सठ को लगाया गया था केवल दो है जो ऑप्शन सही है केवल दो है जो ऑप्शन सही है चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है गया कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला है बिहार में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई चार किलोमीटर है सोन नदी दक्षिण बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य है 54 का 54 का आंसर आंसर बताइएगा। बताइएगा। गलत पूछ रहा है अच्छा गलत पूछ रहा था क्या गलत पूछ रहा था क्या वो विचार करें अच्छा कौन सा असत्य है कौन सा असत्य चलिए दो और तीन एक और तीन होगा एक और तीन आंसर होगा चलिए समझ गया वो है जो हम है जो देखिये हम है जो पढ़े नहीं असत नहीं पढ़े थे चलिए कोई बात नहीं ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आप समझ जाइएगा चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है गया कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला है बिहार में पूर्व से पश्चिम तक चौराई चार किलोमीटर है सोन नदी दक्षिण बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है फिफ्टी फोर का आंसर बताइएगा हां गलत पूछ रहा था गलत पूछ रहा था हम समझ गए समझ गए हम गलत पूछ रहा था वो चलिए आप लोग है जो आंसर सही दिए थे और हम भी है जो सही है लेकिन सत्य में सही है चलिए चलिए आगे बताइएगा आगे बताइएगा 54 का आंसर बताइएगा 54 का आंसर बताइएगा जल्दी से बताएगा बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है गया कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित है बिहार में पूर्व से पश्चिम की चौराई चार है सोन नदी दक्षिण बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है सोन नदी दक्षिण बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है जल्दी से बताइएगा चौवन का ए आंसर आ रहा है चौवन का आंसर आ रहा है चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए आ जाइए बिहार बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है आप जानते हैं गया कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला है बिहार में पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है जो चार है और उत्तर से दक्षिण है थ्री फोर फाइव है ध्यान रखिएगा चलिए सोन नदी दक्षिण बिहार को दो बराबर भागों में है जो दोस्तों नहीं बढ़ती है सोन नदी है दोस्तों है जो सोन नदी अगर बिहार के मैप को अगर देखिएगा दोस्तों तो है जो सोन नदी है जो यहाँ से गुजरती है सोन नदी है जो दोस्तों है जो दक्षिण पश्चिम से गुजरती है तो दो बराबर भागों में है जो कभी भी बांट नहीं सकती है दो बराबर भागों में है जो कभी भी बांट नहीं सकती है इसलिए जो दोस्तों है जो फोर्थ ऑप्शन है जो आपका गलत है फोर्थ ऑप्शन गलत है आपका एक दो तीन है चलिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कौन सी नदी है जो बांटती है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कौन सी नदी बांटती है जल्दी से बताइएगा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कौन सी नदी बांटती है जल्दी से कमेंट कीजिएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा उत्तर और दक्षिण बिहार को कौन सी नदी है जो बांटती है उत्तर और दक्षिण बिहार को कौन सी नदी बांटती है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा चलिए बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार पांच बड़े जिले का सही क्रम क्या है बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार पांच बड़े जिले का है जो सही क्रम क्या है चलिए गंगा नदी गंगा माता अच्छा गंगा माता है जो कितना किलोमीटर बिहार में कितना किलोमीटर है जो बहती है बिहार में जो कितना किलोमीटर बहती है बिहार में गंगा कितना किलोमीटर बहती है बताइएगा बिहार में गंगा माता कितना किलोमीटर बहती है हाँ गंगा रिवर कितना किलोमीटर बहती है बिहार में जल्दी से बताइएगा चार सौ पैंतालीस किलोमीटर बहुत बढ़िया चार सौ पैंतालीस किलोमीटर है जो दोस्तों है जो बाती है।, है जो बहती है चार सौ पैंतालीस किलोमीटर है जो बहती है चलिए बता दिए चलिए बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार पांच बड़े जिलों का सही क्रम बताइएगा अब्रोही क्रम में बताना है जल्दी से बताइएगा चार सौ पैंतालीस किलोमीटर बहुत बढ़िया चार सौ पैंतालीस किलोमीटर सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई किस जिले में है सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई है जो बिहार में किस जिले में चलिए और बता दीजिए सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई जो है दोस्तों किस जिले में है तो दस जिलों से जो बहती है बारह जिलों से बहती है ना बारह जिले से बहती है बारह जिले में सबसे ज्यादा लंबा है जो गंगा कहां से है जो बहती है चलिए भारत में टोटल पच्चीस सौ पच्चीस है बहुत बढ़िया फिफ्टी फाइव का डी आंसर आ रहा है फिफ्टी फाइव का डी आ रहा है चलिए गंगा है जो दोस्तों जो किस जिला से सबसे ज्यादा बहती है जल्दी से बताइएगा क्या बोल रहे हैं बागमती क्या बोल रहे हैं बागमती क्या बोल रहे हैं बागमती चलिए जल्दी से बताइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा पचपन का बी आंसर आ रहा है पचपन का बी आंसर आ रहा है चलिए चलिए इसका आंसर इसका आंसर इस है जो इसका आंसर है जो क्या होगा बताइएगा इसका आंसर पश्चिमी चंपारण गया पूर्वी चंपारण रोहतास और मधुबनी डी ऑप्शन जिनका है सही है बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार पांच बड़े जिलों में दोस्तों पश्चिमी चंपारण गया पूर्वी चंपारण रोहतास और मधुबनी चलिए बागमती में चार तीन सौ बागमती हम वो नहीं पूछ रहे हैं चलिए बागमती के बारे में आप बता दिए बागमती तीन सौ चौरानवे किलोमीटर ठीक है वो तो सेकंड सेकंड लार्जेस्ट है बागमती दोस्तों कहां से निकलती है चलिए बागमती से क्वेश्चन तो बागमती कहां से निकलती है और गंगा है जो सबसे ज्यादा है जो कौन से जिला से सबसे ज्यादा बहती है ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा चलिए आंसर है जो देते रहिएगा हाँ पटना से पटना से पटना से निन्यानवे किलोमीटर है जो निन्यानवे किलोमीटर है जो सबसे ज़्यादा है जो पटना से उसके बाद भागलपुर से भागलपुर से है जो संतानवे किलोमीटर भागलपुर से संतानवे किलोमीटर ये डेटा है जो दोस्तों है जो सिंचाई विभाग से है जो दोस्तों बीपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो सिंचाई विभाग से हम डेटा है जो निकाले थे इसका तो पटना में निन्यानवे किलोमीटर और भागलपुर में संतानवे किलोमीटर नेपाल में महाभारत श्रेणी से बहुत बढ़िया बागमती है जो महाभारत श्रेणी से जो निकलती है महाभारत श्रेणी से जो निकलती है महाभारत श्रेणी से जो निकलती है चलिए चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है उमानाथ मंदिर अंबिका मंदिर अजग अजगैवीनाथ मंदिर और कोटेश्वर नाथ मंदिर कौन सा है जो मंदिर नेपाल के महाभारत श्रेणी से बहुत बढ़िया चलिए जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव को है जो समर्पित है 56 नंबर क्वेश्चंस बताइएगा क्या होगा जो मधु गुप्ता जी हेलो जी हेलो हेलो हाँ 56 का भी है चलिए अमिका मंदिर है जो कहां पर है कहां पर है अमिका मंदिर अमिका मंदिर है जो कहां पर है बताइएगा अमिका, अमिका मंदिर है जो कहां पर है अंबिका मंदिर है जो कहां पर है आंसर सही है आपका अंबिका मंदिर कहाँ पर है जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा अंबिका मंदिर है जो कहां पर है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है कहां पर है कौन सा जिला में है कौन सा जिला में है बताइएगा कौन सा जिला में है अंबिका मंदिर कौन सा जिला में है हाँ छपरा है छपरा सारण में है सारण में है जो दोस्तों है जो सारण में है चलिए बहुत बढ़िया चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बिहार का राज गीत मेरे भारत के कंठहार है इस गीत की रचना शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने किया है बाईस मार्च दो को आधिकारिक तौर पर इस गीत को राजगीत के रूप में अपनाया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है एक दो, दो तीन एक तीन एक दो तीन फिफ्टी सेवन का बताइएगा क्या होगा जो छपरा में बहुत बढ़िया छपरा में है बहुत बढ़िया जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से करेंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से करेंगे जल्दी से बताइएगा संतावन का आंसर बताइएगा संतावन का छपरा बहुत मौसरा इमाम जी छपरा बहुत बढ़िया जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे मेरे भाई जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे बिहार का राज गीत मेरे भारत के कंठार है इस गीत की रचना शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने किया है 22 मार्च 2012 को है जो आधिकारिक रूप से जो इसे जो अपनाया गया है फिफ्टी सेवन का डी आ रहा है फिफ्टी सेवन का डी आ रहा है चलिए और देखते हैं और देखते हैं फिफ्टी सेवन का डी आ रहा है फिफ्टी सेवन का डी आ रहा है फिफ्टी सेवन का डी आ रहा है सभी का डी आ रहा है सभी का डी आ रहा है चलिए देख लेते हैं फिफ्टी सेवन का फिफ्टी सेवन का है जो बिहार का राजगीत मेरे भारत के कंठार हैं सही है इस गीत की रचना शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने संगीत दिया है संगीत दिया है हरि प्रसाद चौरसिया संगीत देंगे रचनाकार है जो नहीं है रचना है एम आर चिश्ती के द्वारा एम आर चिश्ती है जो दोस्तों और सत्यनारायण के द्वारा है जो किया गया था सत्यनारायण के द्वारा सत्यनारायण के द्वारा किया गया था दूसरा ऑप्शन गलत है शिव कुमार ने दोस्तों जो संगीत दिया था और 22 मार्च 2012 को आधिकारिक रूप से जो इसे जो राज घोषित किया गया है एक और तीन सही है एक और तीन है जो सही है एक और तीन है जो सही है एक और तीन है जो दोस्तों जो सही है एक और तीन किन्हीं का आया कि नहीं किन्हीं का आया है आंसर कि नहीं अभी तक अभी तक नहीं आया है फिफ्टी सेवन जो याद रखिएगा शिव कुमार शिव कुमार है जो दोस्तों है जो हरि प्रसाद चौरसिया इस गीत को है जो संगीत दिए थे और रेवार चिस्ती और सत्यनारायण है जो इसका है जो रचना किए थे ध्यान रखिएगा छोटा क्वेश्चन था लेकिन गलत कर बैठे चलिए फिफ्टी एट के टी शाह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें वह कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ये बिहार से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे उन्होंने भारत को राज्यों का संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था यह एक नाटककार थे जो भागलपुर में जन्मे थे उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही है मधु जी संतावन का बहुत बढ़िया मधु गुप्ता जी संतावन काशी चलिए जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर करेंगे जल्दी से करेंगे केटी शाह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ये बिहार के संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे इन्होंने भारत के राज्यों को संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था यह एक नाटककार था जो बागलपुर से जन्मे थे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है एक दो दो तीन एक तीन और एक दो तीन फिफ्टी एट का बताइएगा क्या होगा जो जल्दी से जो भी देख रहे हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे लाइक जरूर कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं के टी शाह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर है जो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध में जो दोस्तों है जो चुनाव लड़े थे केटी शाह केटी टी शाह पहला है जो दोस्तों है जो राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ में चुनाव लड़े हुए हैं चलिए इन्हीं का आंसर आ रहा है फिफ्टी एट का बी आ रहा है मधु गुप्ता जी का दो और तीन आ रहा है दो और तीन आ रहा है और देखते हैं फिफ्टी एट का डी आ रहा है फिफ्टी एट का ए आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देख लेते हैं के टी शाह बहुत ही जो बहुत ही उमदा पर्सनालिटी जो दोस्तों के टी शाह के बारे में कहा जाता है बिहार के संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे उन्होंने भारत को राज्यों का संघ बनाने का प्रस्ताव है जो दोस्तों रखा था ये एक नाटककार थे लेकिन दोस्तों है जो ये कहाँ से थे एक गुजरात के थे कहाँ के थे गुजरात के थे इसीलिए जो दोस्तों भागलपुर के चलते हैं जो तीसरा ऑप्शन गलत तीसरा गलत तीसरा गलत तीसरा गलत एक और दो सही होगा एलिमिनेट भी कर सकते थे एलिमिनेट भी कर सकते थे आप इलिमिनेट भी कर सकते थे चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चलिए पादरी की हवेली के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें इसका वास्तविक नाम पादरी की हवेली था यह पटना सिटी में सबसे पुराना प्रसिद्ध गिरजाघर है इसे बनाने का काम फादर जोसेफ ने किया था मदर ट्रेसा ने यही नर्सिंग का है जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा सही नहीं है एक तीन एक दो एक दो तीन डी कोई भी नहीं फिफ्टी नाइन का बताइएगा आंसर क्या होगा फिफ्टी नाइन का आंसर बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे चलिए फटाक सुना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फटाक सुना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा देखते जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे फिफ्टी नाइन का डी आ रहा है किसने दिया है आंसर भाई फिफ्टी नाइन का अच्छा रविराज जी आ गए रविराज जी आ गए रविराज जी आ गए फिफ्टी नाइन का है जो डी आंसर आ रहा है जल्दी से फिफ्टी नाइन का आंसर है जो बताइएगा जल्दी से बताइएगा आंसर हाँ सूरज जी का भी आंसर डी आ रहा है सूरज जी का भी आंसर डी आ रहा है चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जल्दी से कीजिएगा चलिए चलिए आ जाइए पादरी की हवेली दोस्तों दिए गए कथन पर विचार करें इसका वास्तविक नाम पादरी की हवेली और पटना सिटी में सबसे पुराना प्रसिद्ध गिरजाघर है सत्रह सौ अठहत्तर उनासी में सत्रह सौ अठहत्तर या उनासी में जो दोस्तों ये जो बनकर तैयार हुआ था ये और है दोस्तों इसे बनाने का कार्य फादर जोसेफ ने किया था मदर टेसरा ने यहीं से नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया था कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है तीनों है जो सही है दोस्तों कोई भी नहीं होगा चलिए मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था जल्दी से बताइएगा भारत रत्न कब मिला था मदर टेरेसा को मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था जल्दी से कमेंट है जो कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा हाँ उनसठ का डी आ रहा है भारत रत्न है जो मदर टेरेसा को कब मिला था भारत रत्न कब से दिया जाता है भारत रत्न कब से दिया जाता है पहला क्वेश्चन बिहार के कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है बिहार के कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है पहला किनको मिला था भारत रत्न बिहार से जो है बताइएगा तीसरा है कि कितने व्यक्ति को एक साल में दिया जा सकता है कितने व्यक्ति को एक साल में जो दिया जा सकता है चौथा है जो दोस्तों है जो चौथा है चौथा है जो अभी तक कितने लोगों को दिया गया है कितने लोगों को दिया गया है चलिए कितने लोगों को दिया गया है पाँचवा है इसके जो इसको जो चलिए पाँच ही बताइए नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पाँच ही बताइए पाँच ही बताइए आप जल्दी से बताइएगा जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा चलिए उन्नीस में उन्नीस में चलिए बिहार से पाँच लोगों को मिला है बहुत बढ़िया आंसर आ गया उन्नीस सौ अस्सी में मिला है सलोनी जी को तीन को दिया जाता है उन्नीस सौ चौवन से मिला है दिवाकर जी राजेंद्र प्रसाद को मिला है चलिए चलिए बहुत बढ़िया सभी आंसर है जो दोस्तों सभी है जो आपने है जो आंसर दे दिया है इससे है जो ज्यादा है जो आंसर है जो इसमें है जो जरूरत नहीं है अभी तक कितने लोगों को मिला है ये वो दे दीजिएगा अभी तक कितने लोगों को मिला है बताइएगा टोटल अभी कितने को मिला है चलिए सभी का आंसर आ रहा है सभी का आंसर सही है सभी का आंसर सही है चलिए चलिए सभी है जो पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे हैं चलिए बिहार के रागों के संदर्भ में दिए गए सम्मेलन में सम्मेलन में कौन सा गलत है नचारी भगवान शिव के प्रार्थना नचारी राग में गाया गया है लग्नी भोजपुर में विवाह के अवसर पर है दोस्तों जो गीत लग्नी राग में गाया जाता है चैता चैत महीने में गाया जाने वाला है और डी भी है क्या हाँ डी है पूर्वी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला राग बताइएगा चलिए चलिए छोटा कर देते हैं इसको चलिए साठ का बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों गलत है कौन सा है जो गलत है बताइएगा चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे चलिए 48 का 60 का क्या है 48 तो कब पार कर गया है 48 है जो दिवाकर जी कब पार कर गया है दोबारा है जो देखिए आप दोबारा देखिए 48 बहुत पहले पार कर गया था 53 हो गया है अपडेट रहिए दिवाकर जी अपडेट रहिए आप आप लोग है जो सब इस बार एसडीएम बनने वाले हैं अपडेट रहिए सिक्सटी का ए आ रहा है सिक्सटी का ए आ रहा है सिक्सटी का ए नहीं होगा सिक्सटी का ए नहीं होगा लगनी होगा जो भोजपुर में नहीं भोजपुर में नहीं मिथिला में जो दोस्तों गाया जाता है बी है बी है कौन सा गलत है बी है चलिए साठ का बी आंसर आ रहा है सूरज जी का ए आ रहा है सलोनी जी का बी आ रहा है चलिए बी आंसर सही है बी आंसर है जो दोस्तों सही है बी आंसर है जो सही है बी आंसर है जो सही है चलिए चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें उच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के तहत की गई है उन्नीस में पटना उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना रांची में किया गया था उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है केवल एक केवल दो एक दो ना तो एक ना तो दो साठ का भी बहुत बढ़िया साठ का भी दिवाकर जी साठ का भी सुवेता जी जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब मोसद इमाम जी सही है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे भैया मेरे चलिए पटना उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के बारे में बता दीजिएगा उच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में व्यवस्था अनुच्छेद छः के तहत की गई है उन्नीस में पटना उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना रांची में किया गया था कौन सा कथन सही है सिक्सटी का बताइएगा क्या होगा सिक्सटी का आंसर बताइएगा क्या होगा जो सिक्सटी का आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से आंसर बताइएगा जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे सिक्सटी वन का सी आ रहा है सिक्सटी वन का सी आ रहा है और देखते हैं और देखते हैं सिक्सटी वन का सी आ रहा है सिक्सटी वन का सी आ रहा है सिक्सटी वन का डी भी आ रहा है भैया कौन सा कथन है जो सही है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें संविधान के अनुच्छेद चौदह के तहत की गई है उन्नीस में पटना उच्च न्यायालय का बेंच रांची में स्थापित किया गया था कौन सा कथन सही है एक और दो दोनों सही है एक और दो एकसठ e का डी आ रहा है सलोनी जी e का आ आ आ, कैसे आ है? आ है है का डी है बहत्तर में दोस्तों की गई थी और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना बताइएगा है कौन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था बताइएगासठ e का सी बहुत बढ़िया एकसठ का सी जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा पटना कोर्ट के वर्तमान में भी दोस्तों जो चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है चीफ जस्टिस कौन है जल्दी से बता दीजिएगा पटना कोर्ट की स्थापना बता दीजिएगा जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा जो भी देख रहे हैं सुवेता जी 1916 1916 सौ सोलह सोलोनी जी उन्नीस सौ तीन फरवरी उन्नीस सौ फरवरी उन्नीस सौ नहीं तीन फरवरी आज सुबह में पढ़ाए थे दो फरवरी था एक ऑप्शन में दिए थे तीन फरवरी करवाए थे सूरज जी भूल गए कि भूल गए भूल गए आप अरे भूल गए आप भूल गए यादव माइसी ने एक दवाई आता है आपको हम देंगे यादव माइसी ने एक दवाई आता है हमारा सर बोलते थे यादव माइसी ने एक दवाई आता है किसका डावर का एक दवाई आता है नहीं होगा तो ले लीजिएगा एग्जाम के समय ले लीजिएगा बहुत काम करता है यादव माइसी ने एक दवाई है ले लीजिएगा चलिए बहुत बढ़िया है तीन फरवरी उन्नीस सौ सोलह चलिए अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है ऑप्शन है दोनों ऑप्शन सही है दोनों ऑप्शन है जो दोस्तों जो सही है चलिए चलिए बासठ का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बिहार में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करने वाला जिला नवादा है भारत में सबसे उच्च कोठी चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिले में जिले के कैमूर पठार में मिलता है बिहार का एकमात्र रोहतास जिला में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइएगा जल्दी से बासठ नंबर बताइएगा बासठ नंबर दिवाकर जी विनोद चंद्रन है मोसरत इमाम विनोद चंद्रन है बहुत बढ़िया जल्दी से बताइएगा आंसर जो भी देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब किए कि नहीं किए मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब किए कि नहीं किए जल्दी से जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा दिवाकर जी बासठ का बी आंसर आ रहा है दो और तीन कौन सा कथन सही है बी दो और तीन दो और तीन दो और तीन चलिए जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा चलिए सलोनी जी का बासठ का ए आ रहा है बासठ का ए आ रहा है बासठ का बी आ रहा है सबका अलग अलग आंसर आ रहा है बासठ का बी आ रहा है चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं बासठ का बी आ रहा है चलिए देख लेते हैं देख लेते लेते हैं हैं भैया का बासट का कहा चलिए, 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 सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करने वाला जिला नवादा है आप जानते हैं नवादा है क्लियर हो गया सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में मिलेगा इसलिए सबसे ज्यादा सीमेंट का फैक्ट्री कहां पर है आपका है रोहित रोहतास और कैमूर में बिहार का एकमात्र देखिए स्टेटमेंट अगर देता है तो समझने का प्रयास कीजिएगा एकमात्र इसका तो मतलब है जो डिटो कर रहा है कि है जो एकमात्र रोहतास जिले में है जो यूरेनियम मिलता है एकमात्र के चलते हैं जो दो दोस्तों गलत गलत हो गया अगर रोहतास में रोहतास में भी यूरेनियम है नहीं लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट एकमात्र के चलते है जो दोस्तों है जो स्टेटमेंट है जो गलत हो गया एकमात्र कभी भी है जो दोस्तों है जो इस प्रकार का एकमात्र अगर इस प्रकार का रहे दूसरा केवल रहे तो वहां पर जरूर है जो आप है जो अपना दिमाग लगाइएगा जो बताए हैं सही होगा तीसरा ऑप्शन है जो हमेशा गलत होगा तीसरा ऑप्शन होगा एक दो है जो सही आंसर होगा चलिए समझ गए कि नहीं समझ गए समझ गए कि नहीं समझ गए समझ गए कि नहीं समझ गए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्लियर हो गया क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया डोलामाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है डोलामाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है जमुई मुंगेर रोहतास गया सिक्सटी थ्री का आंसर बताइएगा क्या होगा चले रविराज जी ये आंसर है राजेश कुमार जी सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा लेट हो रहे हैं आप लोग लेट हो रहे हैं लेट हो रहे हैं लेट नहीं होना है अभी लेट नहीं होना है जल्दी से बताइएगा बिहार में डोलामाइट माइट कहाँ से मिलता है बिहार में डोलामाइट माइट कहाँ से मिलता है जल्दी से बताइएगा तिरसठ का आंसर बताएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जल्दी से बताएगा तिरसठ का आंसर आ रहा है तिरसठ का आंसर सब का आ रहा है तिरसठ का सी तिरसठ का सी तिरसठ का सी सब का तिरसठ का सी वाह 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 गया में गया होगा ना अभरक अपडेट उत्पादन में नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ गया में है जो अभरक आता है वो है जो उस एरिया में पूरा झारखंड से जो जितना भी लगता है उसमें सब जगह कहीं ना कहीं है लेकिन सबसे ज्यादा अगर दोस्तों है जो तो नवादा में भी है जो अबरा का है जो सबसे ज्यादा कोडरमा का क्षेत्र जो है काकोलत देखते हैं ना का काकोलत जो है कोडरमा से लगता है नवादा नवादा का जो इलाका है वहीं है और सबसे ज्यादा है दोस्तों है जो अवरक है, है जो वहीं पर मिलता है अबरक है जो मिलता है वहीं पर छिटपुट में जो ऐसे तो झारखंड का जो भी इलाका जो सटता है आठों जिला है उसमें कहीं ना कहीं मिलता है लेकिन नवादा है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा मिलता है चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को चलिए डोला माइट रोहतास तिरसठ का सी आंसर आ रहा है तिरसठ का सी आंसर आ रहा है चलिए तिरसठ का सी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया डोलामाइट है डोला है जो रोहतास में मिलता है डोलामाइट है जो रोहतास में मिलता है चलिए कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था कन्या उत्थान योजना 64 बताइएगा कन्या उत्थान योजना है जो दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था कन्या उत्थान योजना है जो किस वर्ष शुरू किया गया था बताइएगा कन्या उत्थान योजना है जो किस वर्ष शुरू किया गया था 2020, 2021, 2018, 2015 हजार और लगले जन जीवन हरियाली योजना बता दीजिएगा जल्दी से साथ में बता दीजिएगा जन जीवन हरियाली योजना चलिए दोनों योजना का बता दीजिएगा दोनों योजना है जो बीपीएससी ने पूछ चुका है पहले प्रीवियस में दोनों को बता दीजिएगा आप सिक्सटी का आंसर क्या होगा जो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं सिक्सटी फोर का सी आ रहा है सिक्सटी फोर का सी आ रहा है चलिए दो हजार अट्ठारह आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया सिक्सटी फोर का जनजीवन हरियाली बता दीजिएगा लगले जनजीवन हरियाली को बता दीजिएगा आप जनजीवन हरियाली को बताइएगा जल्दी से सिक्सटी फोर का सी आ रहा है सिक्सटी फोर का दो हजार अठारह जन हरियाली बता दीजिएगा आप चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी का आंसर है जो सी आ रहा है दो हजार उन्नीस दो हजार उन्नीस बहुत बढ़िया जनजीवन हरियाली दो हजार उन्नीस में है चलिए बिहार में होने वाली वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बिहार में वर्षा का वितरण असमान है यहाँ वर्षा असमान होने का मुख्य कारण उच्चावच में भिन्नता एवं समुद्र से बढ़ती दूरी है पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही है बताइएगा बिहार में वर्षा का वितरण असमान है यहाँ वर्षा असमान होने का मुख्य कारण है उच्चावच में भिन्नता और समुद्र से बढ़ती दूरी पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है कौन सा कथन सही है एक दो एक दो या इनमें से कोई नहीं ग्रीन बजट हाँ ग्रीन बजट ग्रीन बजट बहुत बढ़िया ग्रीन बजट के साथ दो बढ़िया बहुत 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 जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं भैया मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे ना जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए खाली लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा 65 का आंसर सी आ रहा है 65 का आंसर है जो सी आ रहा है जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा

ये है उत्तर पूर्व का इलाका यह उत्तर पश्चिम का इलाका यह दक्षिण का इलाका जल्दी से बताइएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा और यही से जो दोस्तों है जो वर्षा आसमान के बारे में है जो आपको पता चलेगा तो दोनों ऑप्शन से जो आपके सही है दोनों ऑप्शन सही है सबसे ज्यादा किशनगंज में वर्षा होती है किशनगंज में वर्षा होती है और सबसे कम है दोस्तों है जो अरवल में होती है किशनगंज में सबसे ज्यादा और अरवल में इसीलिए किशनगंज में है जो दोस्तों जो मानसून है जो सबसे पहले जो किशनगंज में बिहार में प्रवेश करती है बिहार में प्रवेश करती है चलिए चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे भैया जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं हो रहा है आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें टारगेट है कम से कम बीस सब्सक्राइबर करने का टारगेट है एनडब्ल्यू तेरह क्या है तेरह पंद्रह सत्रह बहुत बढ़िया तेरह पाँच सत्रह नहीं गलत हो गया फिर से चेंज कीजिए चेंज कीजिए चेंज कीजिए चेंज कीजिए चेंज कीजिए चेंज कीजिए दिवाकर जी चेंज कीजिए कुछ गलत हो गया है गलत हो गया है तीन में सत्रह है बहुत बढ़िया तीन में सत्रह आ गया तीन में सत्रह आ गया और बताइएगा और बताइएगा तीन में सत्रह आ गया और बताइएगा तीन वाला आ गया एक और दो बताइए एक और दो बताइए चलिए चलिए एक में और सही है एक में तेरह आ रहा है एक में तेरा आ रहा है वो भी सही है और बताइए और बताइए जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे

पटना रेलवे स्टेशन का नाम बाकीपुर रेलवे स्टेशन किया गया था उन्नीस सौ में बाकीपुर लॉन् में हुई गांधी जी की रैली के बाद इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया था केवल एक दो एक दो ना तो एक ना तो दो जल्दी से बताइएगा चलिए सेकंड में तेरह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेकंड में तेरह है सेकंड में तेरह है चलिए जल्दी से आप लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से आंसर बताइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब राजेश कुमार जी 66 का बी आ रहा है 66 का बी आ रहा है कौन सा कथन असत्य है 66 का है जो बी आ रहा है 66 का बी आ रहा है, है। चलिए श्वेता कुमारी जी का सी आ रहा है सलोनी जी का बी आ रहा है सब का अलग अलग आंसर आ रहा है चलिए चलिए आंसर आ रहा है तो है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए चलिए गांधी जी उन्नीस में बिहार गांधी जी कितने बार आए हैं पता है बिहार गांधी जी कितने बार आए हैं पता है कि नहीं पता है अंतिम बार गांधी जी कब आए थे पता है कि नहीं पता है चलिए ये तो गलत है ये है जो विश्वनाथ प्रसाद चौबे एक व्यक्ति थे दोस्तों व्यवसायिकारी थे उनके कहने पर है दोस्तों गांधी मैदान है जो दोस्तों जो नाम रखा गया था दूसरा ऑप्शन गलत है दूसरा ऑप्शन गलत है पहला ऑप्शन सही है कौन सा कथन असत्य है असत्य है तो दूसरा ऑप्शन सशक्त है जल्दी से देगा गांधी जी कितने बार बिहार आए थे गांधी जी कितने बार बिहार आए थे चलिए बहुत बनिया, बहुत बनिया। तो बताइएगा कहा हम क्या पूछ रहे थे कुछ पूछे थे क्या चलिए हाँ क्या कुछ पूछे नहीं थे लगता अभी चलिए सिक्सटी एट आ जाइए निम्नलिखित कथनों में किसके संदर्भ में सही है इसके अंतर्गत बिहुला बिशरी के दंत कथाओं का, का चरित्र चित्रण होता है यह मुक्ता भागलपुर से प्रारंभ हुई थी यह किस चित्रकला शैली के बारे में बताता है किस चित्रकला के शैली के बारे में बताता है बिहुला की दंत कथाओं का चित्रण होता है यह मुक्ता भागलपुर से प्रारंभ हुई थी यह चित्रकला शैली किसके बारे में बताता है मधुबनी पटना बाका मंजूसा सिक्सटी का बताइएगा आंसर क्या होगा सिक्सटी का तीन बार आए थे चार बार आए थे चार बार आए थे गांधी जी चार बार आए थे और उन्नीस में है जो उन्होंने अंतिम बार यात्रा है जो

खरीद अभी है इस बुक को हम रात भर पढ़ेंगे आज रात भर इस बुक को पढ़ेंगे और है जो अंडरलाइन करके बताएंगे कि कौन सा है जो इकोनॉमिक्स के लिए बढ़िया होगा ये बुक है जो जरूर खरीद लीजिएगा चलिए आज हम गए थे तो बुक है जो मिला और है जो इकोनॉमिक्स में दस क्वेश्चन आपको जरूर इससे धराएगा तो जरूर है जो इस बुक को खरीद लीजिएगा आप चलिए 68 का डी आ गया 68 का सी 68 का डी 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 एक ही आदमी का आया है जो है सलोनी कुमारी जी का है सिक्सटी का डी चलिए और है राजेश कुमार जी का डी आया है और है जो राजेश कुमार जी का डी आया है और है जो किन्हीं का डी नहीं आया चलिए बहुत बढ़िया है जो मंजूसा कैली मंजूसा भागलपुर भागलपुर और बाका के दोस्तों है जो मंजूसा शैली है जो तो दोस्तों है जो ये है जो दोस्तों बिहुली बिशेहरी की दंत कथाओं का चरित्र चित्रण है जो किया जाता है मैना तोता की कहानी है बहुत सारे चीज हैं जो इसमें है जो तो आप है जो तो देख सकते हैं चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चलिए बिहार में आयोजित होने वाली मेलाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए सौराठ मेला मधुबनी जिले के सौराठ गांव में आयोजित किए जाते हैं बौसी मेला भगवान विष्णु के पूजन होती बांका जिले में है जो मंदार पर्वत के नीचे आयोजित किया जाता है बौसी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों कथन सही है दो तीन एक दो एक तीन एक दो तीन सिक्सटी का बताइएगा आंसर क्या होगा सिक्सटी का बिहार का फेमस जल्दी से बताइएगा आंसर चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चलिए बिहार का फेमस क्या बोले बिहार का फेमस क्या है बिहार का फेमस famous... चलिए बताइएगा सिक्सटी नाइन का आंसर बताइएगा नाइन का आंसर बताएगा सिक्सटी नाइन का बी आंसर आ रहा है केवल एक और दो आ रहा है तीन काहे छोड़ दिए हैं सूरज जी तीन काहे छोड़ दिए हैं क्या दुश्मनी है तीन नंबर से सिक्सटी नाइन का तीन नंबर से क्या दुश्मनी है? है अच्छा ठीक है चलिए बिहार में आयोजित बिहार में आयोजित होने वाली मेलाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें सौराठ मेला मधुबनी जिले के सौराठ गांव में आयोजित इस मेले का संबंध विवाह से है बौसी मेला भगवान विष्णु की पूजन हेतु तो बांका जिले में मंदार पर्वत के नीचे आयोजित किया जाता है बौसी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है चलिए सिक्सटी नाइन का डी आ रहा है मोसत इमाम जी का डी आ रहा है चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे सिक्सटी नाइन का डी आ रहा है चलिए दिवाकर जी का आंसर डी आ रहा है चलिए डी आ रहा है सभी का डी आ रहा है बढ़िया बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है सभी का आंसर डी आ रहा है एक दो तीन एक दो तीन है जो दोस्तों है जो सही आंसर होगा एक दो तीन है जो सौराठ मेला अरे जाके घूमिएगा सूरज जी जाके सौराठ मेला घूमिएगा बहुत प्रसिद्ध मेला है जाकर घूमिएगा इसकी कहानी अभी नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे एग्जाम के बाद बताएंगे कहानी हम बौसी मेला ये जो दोस्तों विष्णु के पूजन हेतु पर्वत बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे आयोजित किया जाता है बौसी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है तीनों ऑप्शन सही है चलिए जाइए एस बनिए और है जो सराठ मेला है जो घूमिएगा आप चलिए हिंदी बिहार की प्रथम राजभाषा है उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में जो कब अपनाया गया उन्नीस सौ छप्पन उन्नीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ नवासी दो हजार दो विवादित क्वेश्चन है विवादित क्वेश्चन है ये विवादित क्वेश्चन है चलिए बताइएगा चलिए जो भी है ठ मेला सीतामढ़ी में होता है मधुबनी सीतामढ़ी सीतामढ़ी है मधुबनी में भी है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है हिंदी विवाह हिंदी बिहार की प्रथम राजभाषा है उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था छप्पन तिहत्तर नवासी बिरासी ये है जो दोस्तों है जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये है जो दोस्तों है जो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे इसका आंसर है जो हम नहीं बता पाएंगे आप इसका आंसर है जो ढूंढिएगा हम है जो इस आंसर है जो मेरा मेरे को उन्नीस है जो हम है जो गजट से उन्नीस निकाले थे कोई ऑप्शन है जो इसमें नहीं है आप है जो जरूर है जो इस क्वेश्चन को धरिएगा नहीं उन्नीस नहीं है उनहत्तर उन्नीस नहीं है ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये ए है जो कहीं भी है जो इसका आंसर नहीं मिला है हम है जो चार पांच बुक में जो इसका आंसर खोजे हैं कहीं है जो इसका सही बुक नहीं है कहीं कभी कभी, कभी उन्नीस भी रहता है हाँ। कहीं कहीं अस्सी भी है उन्नीस है बेरासी भी है उन्नीस भी है ये है जो दोस्तों है जो इसका आंसर है जो आता है ये है जो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अगर बता दिए तो गलत भी हो सकता है इसीलिए इसका आंसर है जो हम आपको नहीं बताएंगे इसका आंसर है जो हम नहीं बताएंगे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है चलिए इकहत्तर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी नहीं है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी नहीं है करेल कवाल खादर मिट्टी टाल मिट्टी और बलथर मिट्टी कौन सा मिट्टी है जो दक्षिण बिहार के मैदान में मिट्टी नहीं है बताइएगा उन्नीस देखिए कहीं भी लिखा हुआ है उन्नीस आप लिखा हुआ दिखा दीजिए हमको कहीं भी उन्नीस लिखा हुआ है आप है जो हमें दिखा दीजिए कहीं भी ऑथेंटिक बुक में ये छोटा मोटा बुक की बात हम नहीं कर रहे हैं उन्नीस सौ नवासी अगर कहीं है तो आप मेरे को ऑथेंटिक बुक में है जो दिखाइएगा ऑथेंटिक बुक जो बिहार सरकार है जो बिहार सरकार की जो बुक है के के दत्ता जो भारत बिहार सरकार के ऑथर हैं के के दत्ता उन्होंने है जो दोस्तों है जो इसको उन्नीस सौ बेरासी है जो लिखे हैं चलिए इकहत्तर का आंसर बताइएगा इकहत्तर का आंसर बताइएगा क्या होगा इकहत्तर का आंसर बताइएगा क्या होगा जो राजेश कुमार जी अगर कहीं होगा तो जरूर है जो आप हमें दिखाइएगा चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार की मिट्टी है जो दक्षिण बिहार की मिट्टी नहीं है दक्षिण बिहार की मिट्टी दक्षिण बिहार की मिट्टी ध्यान रखिएगा दक्षिण बिहार की मिट्टी है जो दोस्तों जो ये है जो दोस्तों है जो लाल पीली मिट्टी है यहाँ पर है दोस्तों करेल कवाल मिट्टी है करेल कवाल मिट्टी है यहाँ पर है दोस्तों है जो टाल मिट्टी है जो दोस्तों है जो यहाँ पर गंगा के मैदान के छोर के पास टाल मिट्टी है जो पाई जाती है तो दोस्तों है जो खादर मिट्टी है जो दोस्तों है जो खादर मिट्टी है जो दक्षिण बिहार की मिट्टी नहीं है दक्षिण बिहार की मिट्टी नहीं है सभी का बी आंसर आ रहा है सभी का बी आंसर आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है जो मिट्टी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है जो मिट्टी से एक क्वेश्चन रहता है मिट्टी से एक क्वेश्चन रहता है चलिए बिहार में साल वृक्ष साल के वृक्ष मुक्ता बिहार निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं साल के वृक्ष पश्चिमी चंपारण कैमूर जमुई और रोहतास का आंसर बताइएगा क्या होगा जो सेवेंटी टू का आंसर बताइएगा प्रवीण कुमार जी आए हैं प्रवीण कुमार जी वेलकम है आपका खादर सुयल बहुत बढ़िया राजेश कुमार जी खादर स्वाइल चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे बहत्तर का आंसर बताइएगा बिहार के साल के वृक्ष बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं जल्दी से बताइएगा राजेश कुमार जी बहत्तर का ये बहत्तर का है सलोनी कुमारी जी का बहत्तर का ये है और देखते हैं और देखते हैं जो क्या आंसर आता है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई आप ही लोग तो कर सकते हैं ना आप ही लोग इस चैनल को बढ़ा सकते हैं आप ही लोग करता धरता है तो है जो पश्चिमी चंपारण का वन क्षेत्र है, है, है।, है दोस्तों है जो ये है जो साल वृक्ष वृक्ष है है साल दोस्तों पश्चिमी चंपारण के वन क्षेत्र में जो मिलता है साल वृक्ष है जो पश्चिमी चंपारण के वन क्षेत्र में मिलता है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं बिहार में तंबाकू की खेती मुख्ता किस नदी की घाटी में होती है बिहार में तंबाकू की खेती मुख्ता किस नदी की घाटी में होती है सोन नदी घाटी कोसी नदी की घाटी महानंदा नदी घाटी और गंडक नदी की घाटी तिहत्तर बताइएगा तिहत्तर है जो बताइएगा क्या है जो आंसर है तिहत्तर क्या होगा आंसर बताइएगा जो भी देख रहे हैं परवीन कुमार जी बहत्तर का है बहुत बढ़िया तिहत्तर बताइएगा तिहत्तर का जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से आंसर आ जाएगा आंसर आना चाहिए तिहत्तर का आंसर आना चाहिए तिहत्तर का आंसर आना चाहिए तिहत्तर का डी आ रहा है राजेश कुमार की जी का आ रहा है तिहत्तर का बी आ रहा है कोसी नदी की घाटी आ रहा है और बताइएगा और बताइएगा सूरज जी का तिहत्तर का ए आ रहा है सोन नदी की घाटी हरे सूरज जी एक चीज बताते हैं खैनी जो होता है जो खैनी जिसको बोलते हैं तम्बाकू यह है जो बिहार के किस क्षेत्र में मिलता है बिहार में आप जाइएगा ना कहेगा ना कि सबसे अच्छा खैनिया कहाँ के होता है वो तो है जो उत्तर बिहार के खैनी का होता है उत्तर बिहार के खैनी का होता है तो सोन नदी तो ऐसी खत्म हो गया सूरज जी सोन नदी तो दक्षिण में आता है तो कहानी खत्म है तो खैनी जो है जो तंबाकू की खेती है दोस्तों वो है जो उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा होता है तो देखिएगा महानंदा नदी घाटी कहाँ पर है सबसे लास्ट में यहाँ पर महानंदा है महानंदा है दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है महानंदा यहाँ से निकलती है यह जो है, जो जो दोस्तों है है के के पहाड़ी आसपास से निकलती है, तो महानंदा खत्म हो गया भैया कोसी में तो बाहर आ जाएगा कहानी खत्म है तो बचेगा गंडक नदी की घाटी कौन बचेगा गंडक नदी की घाटी है जो समझना है सूरज जी थोड़ा सा है जो समाज से भी सीखना है कि कहां से क्या आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह सब चीज चलिए तो डी आंसर है डी आंसर है चलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे सेवेंटी फोर का आंसर क्या होगा बताइएगा सेवेंटी फोर का आंसर क्या होगा रामपुरी खैनी बहुत बढ़िया तो ध्यान रखना है कि भाई उत्तर बिहार से खैनी आता तो सोन नदी तो होगा नहीं यह जो थोड़ा सा है जो अपने आप को जो सोचना है ढालना है चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लक्ष्मीकांत झा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सुधांशु सु कुमार झा और सतीश चंद्र मिश्रा। जल्दी से बताइएगा सूरज जी।, जी का आंसर बी आ, आ, आ रहा है सभी का आंसर बी आ रहा है चलिए सभी का आंसर बी आ रहा है इसका मतलब है कि आंसर बी होगा आंसर बी होगा मोहसद इमाम जी का बी आया चलिए सबका बी आया तो दोस्तों जो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है जो 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 दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे कितने न्यायाधीश होते हैं न्यायाधीश कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से बताइएगा सीजीआई को लेकर कितने होते हैं जल्दी से बताइएगा सीजीआई को लेकर कितने होते हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा चलिए कोसी नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन किए कोसी का उद्गम नेपाल के गोसाई धाम से होता है यह सात धाराओं से बना होता है इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलते है। इसका वास्तविक नाम है है कौन सा है जो दोस्तों है है जो सही है। एक तीन दो चार सी ऑप्शन ले लीजिए आप सी एक है एक दो तीन और डी है ऑल है बताइएगा पचहत्तर का क्या होगा बताइएगा तेतीस प्लस वन तेतीस प्लस वन संतोष कुमार जी प्रोविजनल सर्टिफिकेट से ऑनलाइन कर सकते हैं एकदम कर सकते हैं संतोष जी आप सिलेक्शन के समय जाइएगा तो वहां पर है जो मांगता है अभी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक 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 एंड 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 सब्सक्राइब 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 जल्दी से कर 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 देंगे भैया दीजिएगा दीजिएगा पचहत्तर का डी आंसर आ रहा है पचहत्तर का डी आंसर आ रहा है कोसी नदी के संदर्भ में दिए गए विचार को कूट कीजिए कोसी का उद्गम नेपाल के दो गोसाईनाथ धाम से होता है जल्दी से देगा चौंतीस का चौतीस सीजीआई को लेकर बहुत बढ़िया थर्टी फोर और टोटल सीट अभी भरा हुआ है टोटल सीट सुप्रीम कोर्ट में भरा हुआ है चंदचूर साहब, मैंने अपने जीवन में इनके पिताजी थे उनके बाद है जो दोस्तों है जो चंदचूर साहब का जो मैंने वर्तमान के जजमेंट को अगर लिखा जाएगा तो एक नया ईरा है जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाएगा परवीन कुमार जी पचहत्तर कॉल पचहत्तर कॉल जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे ऑल सही है ऑल सही है अच्छा कोसी कितना बिहार में कितना किलोमीटर बती है बिहार में कोसी कितना किलोमीटर बती है बताइएगा गोसाई नाथ से होती है सात धारा अरुण उसका मेन है कौशकी है बिहार में कोसी कितना किलोमीटर है जो दौड़ती है चलिए बताइएगा सलोनी कुमार जी डी हो जाएगा बिहार में कितना किलोमीटर है जो दोस्तों है, जो चलती है जल्दी से बताइएगा बिहार में कितना किलोमीटर है जो कोसी बिहार के निम्न से किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है किशनगंज पश्चिमी चंपारण भोजपुर और अरवल कौन सा जिले में दोस्तों सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है बताइएगा सेवेंटी सिक्स का आंसर दो सौ साठ किलोमीटर बहुत बढ़िया दो सौ साठ किलोमीटर एक और नदी का दो सौ साठ किलोमीटर है बता दीजिएगा तो एक नदी का और है जो दो सौ साठ किलोमीटर बहती है बताइएगा कौन सी नदी है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे चलिए गंडक का भी आ गया आंसर बहुत बढ़िया गंडक का भी आंसर आ गया 260 चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए हैं कि नहीं जितने लोग अभी ऑनलाइन है कम से कम अभी तो है वो है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो आज हम है जो पैंतीस के आसपास पहुंच जाएंगे दोस्तों पैंतीस सब्सक्राइबर पर है जो पहुंच जाएंगे बहुत बड़ी बात है दोस्तों है जो हम जैसे छोटे टीचर है जो दोस्तों है जो यहाँ पर टिके हुए हैं चलिए चलिए बिहार के निम्न में से किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है नहर नहीं है दोस्तों किशनगंज किशनगंज है जो दोस्तों आंसर आ रहा है किशनगंज है जो आंसर आ रहा है किशनगंज है जो आंसर आ रहा है चलिए किशनगंज है जो आंसर आ रहा है गंडक नदी गंडक नदी बहुत बढ़िया छिहत्तर का आ रहा है गंडक गंडक सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबका आंसर है सबका आंसर है जो दोस्तों है है जो सही किशनगंज में है जो दोस्तों है जो नहर से नहीं होता है नहर से है जो दोस्तों है जो नहर से सिंचाई है जो नहीं होता है किशनगंज है जो दोस्तों सही आंसर है किशनगंज है जो सही आंसर है इसका चलिए सूची वन सूची दो को मिलाइए सूची वन दो सूची दो को मिलाइए पेट्रोलियम सॉफ्ट स्टोन अग्नि समिटी और यूरेनियम बताइएगा कहाँ से जो दोस्तों जो मिलता है कहाँ से जो मिलता है बताइएगा पेट्रोलियम सॉफ्ट स्टोन अग्नि समिटी यूरेनियम अभी है जो एक तो आंसर तो डायरेक्ट मिल गया अभी कुछ देरी पहले चर्चा हुआ है तो जरूर है जो आंसर है जो दे देंगे चलिए छिहत्तर का ए है छिहत्तर का ए है बहुत बढ़िया जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा सत्तर का आंसर बताइएगा क्या होगा जो सतहत्तर का आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से बताइएगा सतर का आंसर क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन से जब पूछे जाते हैं तो सतर का आंसर बताइएगा क्या होगा जो राजेश कुमार जी का सी आंसर आ रहा है राजेश कुमार जी का सी आंसर आ रहा है और देखते हैं और देखते हैं जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे सतहत्तर का सी सभी का सतहत्तर का सी आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया है पेट्रोलियम है दोस्तों किशनगंज में क्लियर हो गया तीन नंबर कहाँ कहा है भैया तीन नंबर यहाँ यहाँ तो खत्म हो गया चलिए सौ प्लेटन है जो सौ प्लेटन है सौ पोस्टन है जो आपका है जो आपका है जो कहाँ पर है मुंगेर में है एक नंबर हो गया सौ प्स्टन यूरेनियम हो गया गया में चार का दो हो गया चार का दो हो गया चलिए अब है जो अग्निशा मिट्टी जो भागलपुर में है अग्निशा मिट्टी जो आपका भागलपुर में है चार नंबर सी ऑप्शन ऑप्शन है जो सही है ऑप्शन है जो आपका सही संदर्भ में निम्नलिखित कथनों तो पर विचार करें बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष किशोर यादव की राजनीतिक यात्रा उन्नीस से शुरू हुई बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष किशोर यादव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सात बार विधायक चुने गए हैं इस तरह के क्वेश्चन आए तो आंख मून के आंसर मारिएगा जो मारना होगा आंख मून का आंसर मारिएगा सही होगा आपका चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं प्रवीण कुमार जी सी आ रहा सेवेंटी एट का आंसर बताइएगा सेवेंटी एट का आंसर बताइएगा क्या होगा जो सेवेंटी एट का आंसर बताइएगा क्या होगा जो

कौन सा जोरा है जो बेमेल है बताइएगा कौन सा जोरा है जो बेमेल है दोस्तों बताइएगा बताइएगा क्या है जो आंसर होगा क्या है जो आंसर होगा चलिए सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन का सी आ रहा है सेवेंटी नाइन बताइएगा सेवेंटी नाइन बताइएगा क्या होगा जो जल्दी से बताइएगा <laughs> जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेवेंटी नाइन का बताइएगा पश्चिमी सोन नहर औरंगाबाद और त्रिवेणी नहर उन्हें पश्चिमी चंपारण कमला नहर दरभंगा और सकरी नहर है जो नवादा बताइएगा आंसर है जो क्या है प्रवीण कुमार जी का आंसर डी आ रहा है सेवेंटी नाइन का ए आ रहा है और देखते हैं जल्दी से आंसर कीजिएगा जल्दी से आंसर है जो कीजिएगा जल्दी से आंसर है जो कीजिएगा सेवेंटी नाइन का सी आ रहा है कमला नहर दरभंगा नहीं है दिवाकर जी सेवेंटी एट का डी आ रहा है चलिए देख लीजिएगा इसको नाइन यह 79, 79, 79। है जो दोस्तों है जो पश्चिमी सोन है दोस्तों औरंगाबाद नहीं रोहतास के रोहतास से है जो दोस्तों है जो ये है जो निकलती है रोहतास से है जो दोस्तों है जो बहती है त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण कमना दरभंगा सकरी नवादा ये ऑप्शन है जो दोस्तों बेमेल है ए ऑप्शन है जो बेमेल है याद रखिएगा सोन नहर सबसे पुराना नहर है दोस्तों त्रिवेणी नहर उन्नीस सौ चार में है जो बनाया गया था सोन नहर है जो कब बनाया गया था बताइएगा सोन नहर है जो दोस्तों कब बनाया गया था चलिए बिहार की सिंचाई परियोजनाएं कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है सोन नहर लखीसराय मूसाखंड सिंचाई योजना गया गंडक योजना समस्तीपुर बदुआ जलाशय पूर्णिया कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है कौन सा जोड़ा है जो सही सुमिलित है बताइएगा ये आसान है आसान है देख के ही आंसर मार सकते हैं देख के ही आंसर मार सकते हैं इसका चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे <laughs> जल्दी से बताइएगा

गया है जो कट गया गंडक समस्तीपुर वाले रीजन से से निकलती है आप जानते हैं तो गंडक सही होगा बदुआ है जो दोस्तों पूर्णिया में नहीं है यह है जो बांका में और भागलपुर में है जो दोस्तों है जो बांका और भागलपुर में जो दोस्तों है जो जलाशय का पानी है जो जाता है तो बदुआ नहीं होगा तो गंडक योजना है जो दोस्तों सी ऑप्शन सही है सी जिनका आ रहा है सही है सी जिनका आ रहा है जो सही है सी जिनका है सही है सी जिनका है जो सही है चलिए अस्सी नंबर तक हम लोग है जो एक से कल किए थे और अस्सी आज हो गया अब है जो दोस्तों एक से जो चलते हैं एक से कुछ हिस्ट्री है उसको है जो पूरा कर देते हैं बिहार स्पेशल का कुछ पार्ट है जो खत्म हो जाएगा आपका बहुत चलिए 115 कर दिए थे ना 115 कर दिए थे चलिए बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे 115 कर दिए थे दूसरे सत्याग्रही कौन थे जल्दी से बताइएगा राजेंद्र प्रसाद नहीं है दूसरे कौन है बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन है बताइएगा 116 से बताना है चलिए बिहार के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे जल्दी से बताइएगा बिहार के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा mm -hmm. बिहार के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे बताइएगा 116 तो का आंसर बताइएगा क्या होगा अनुग्रह नारायण सिंह बहुत बढ़िया अनुग्रह नारायण सिंह थे अरुणा नारायण सिंह नहीं दौलत राम दौलत राम नहीं जय राम दौलत राम नहीं था अनुग्रह नारायण सिन्हा थे मौसद इमाम जी दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह चलिए एक सौ सो सोलह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में स्थापना की, की गई थी उन्नीस सौ छह ईस्वी में कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया उन्नीस सौ सोलह में शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद से पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था कल जो नोट्स दिखा रहे थे उसमें है जो तीनों ऑप्शन था आपका चलिए बताइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा राजेश कुमार जी हैं जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा सौ सोलह का डी आंसर आ रहा है एक सौ सोलह का डी आंसर आ रहा है चलिए देखते हैं क्या है जो सही आंसर है जो राजेश कुमार जी का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या आएगा जो जल्दी से बताइएगा क्या है जो है जो जो आंसर है चलिए में में की स्थापना गई थी में प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया उन्नीस सौ सोलह में शिक्षा सदस्य सर शंकर नारायण ने केंद्रीय परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था तीनों ऑप्शन है जो आपका सही है डी ऑप्शन है जो सही है डी जिनका आ रहा है जो सही है डी जिनका आ रहा है जो सही है चलिए तमार विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था तमार चेर संथाल गौंड और उराब जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा संतोष कुमार जी का आंसर डी आ रहा राजेश जी का डी आ आर चलिए सभी का आंसर आ रहा जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा तमार विद्रोह तमार विद्रोह जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे चलिए एक का डी आ रहा है एक तो का डी आ रहा है तमार विद्रोह है जो दोस्तों है जो कब हुआ था तमार कब हुआ था तमार है जो कब हुआ था बताइएगा तमार विद्रोह है जो कब हुआ था तमार विद्रोह है जो कब हुआ था जल्दी से बताइएगा राजेश कुमार जी डी आ रहा है सत्रह सो कब हुआ था तमार विद्रोह सत्रह सो सत्रह सो नवासी में जो दोस्तों तमार विद्रोह हुआ था सत्रह सो नवासी में उत्तरीसों नागपुर के आसपास हुआ था उराव जनजाति तमार विद्रोह का संबंध उराव जनजाति से है चलिए कोल विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कोल विद्रोह का क्षेत्र पश्चिमी घाट था कोल विद्रोह में मुंडा तथा हो जनजातियों के लोगों ने भाग लिया इस आंदोलन का प्रमुख नेता बुद्धो भगत और सूर्या मुंडा थे उपयुक्त में से कौन से कथन सही है एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन एक सौ अठारह का आंसर बताइएगा क्या होगा जो एक सौ अठारह का आंसर बताइएगा क्या होगा चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो जल्दी से आंसर द्ध बताइएगा क्या होगा जो एक सौ का आंसर क्या होगा बताइएगा एक सौ अठारह का आंसर बताइएगा क्या होगा जो कौन सा कथन सही है एक सौ अठारह का आंसर बताइएगा क्या होगा जो चलिए एक का आंसर है जो सी आ रहा है एक का आंसर ए आ रहा है सी आ रहा है चलिए देखिए कोल विद्रोह है जो दोस्तों पश्चिमी घाट कहाँ से होगा पश्चिमी घाट कहाँ से होगा पश्चिमी घाट में जो दोस्तों है जो ये है जो कोल विद्रोह कहाँ इधर से होगा अरे भैया कोल विद्रोह तो अठारह सौ इकतीस बत्तीस में इस क्षेत्र में हुआ था पश्चिमी घाट खत्म हो गया एक ऑप्शन गलत एक गलत एक गलत ऑप्शन बी होगा सही आंसर ऑप्शन बी होगा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी किन्हीं का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑप्शन बी किन्हीं का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑप्शन बी किन्ही का नहीं आ रहा है ऑप्शन बी है जो कि नहीं का नहीं आ रहा है चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा चलिए एक और एक गलत हो गया दोस्तों एक गलत है और है दोस्तों दो और तीन है जो सही है क्लियर हो गया क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बताइएगा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मई उन्नीस में पटना में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन थे राजेंद्र प्रसाद सरअली इमाम बलदेव सहाय सजदानंद सिन्हा एक का आंसर बताइएगा क्या होगा जो एक का आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे एक सौ उन्नीस का आंसर बताइएगा क्या होगा जो जल्दी से बताइएगा एक सौ उन्नीस का सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मई उन्नीस सौ तीस में पटना में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन थे राजेंद्र प्रसाद सर अली इमाम श्री बलदेव सहाय सचिदानंद सिन्हा एक सौ उन्नीस का आंसर क्या होगा एक सौ उन्नीस का बी आ रहा है आंसर संतोष जी का बी आ रहा है राजेश जी का बी आ रहा है जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से आंसर बताइएगा क्या है आंसर जो प्रवीण कुमार का डी आ रहा है प्रवीण जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रवीण जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रवीण जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए तो कल ही बताए थे 1930 में स्वदेशी संघ की जो दोस्तों है जो स्थापना सर अली इमाम के द्वारा है जो किया गया था सर अली इमाम बहुत बढ़िया चलिए निम्नलिखित में विचार कीजिए भारत शासन अधिनियम उन्नीस द्वारा भारत के सभी प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया इस समय भारत में कुल चौदह प्रांत थे बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ सत्ताईस दिसंबर उन्नीस को हुआ इसी समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर बने रक्षित विषय का शासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद से परामर्श से करता था कौन सा कथन सत्य है एक दो एक तीन दो तीन एक दो तीन जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से बताइएगा एक का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा कौन सा कथन सत्य है दोस्तों कौन सा कथन है जो सत्य है बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो 120 का ए आ रहा है एक का ए आ रहा है एक और दो आ रहा है और देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा जो 120 का डी आ रहा है 120 का डी आ रहा है राजेश कुमार जी का आंसर आंसर राजेश कुमार जी का डी आ रहा है चलिए और देखते हैं, और देखते देखते हैं हैं क्या आंसर आता है जो चलिए आ जाइए देख लेते हैं हम चलिए भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया उस समय भारत में कुल चौदह नहीं दस प्रांत थे दस प्रांत है पहला ऑप्शन गलत है बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ सतास दिसंबर उन्नीस सौ छब्बीस नहीं उन्नीस सौ बीस को हुआ था उन्नीस सौ बीस को हुआ था इसी समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर बने थे और रक्षित विषय का शासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद के परामर्श से करता था सिर्फ तीन ऑप्शन सही है तीसरा ऑप्शन सही है सिर्फ है जो तीसरा ऑप्शन सही है चलिए ऑप्शन है जो इसमें नहीं दिए हुए दोस्तों ऑप्शन है जो इसमें नहीं दिया हुआ है सिर्फ तीसरा है जो आंसर सही होगा सिर्फ है जो डी आंसर सिर्फ है जो सिर्फ है जो दोस्तों है जो सिर्फ तीसरा आंसर है जो सही होगा सिर्फ है जो तीसरा गलत ये गलत है ये गलत है सिर्फ है जो तीसरा है जो सही होगा सिर्फ तीसरा है जो सही होगा चलिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत ये है जो दोस्तों जो सिर्फ है जो तीसरा है जो दोस्तों है जो सही होगा तीसरा है जो सही होगा सताइस दिसंबर उन्नीस है और है जो दोस्तों चौदह प्रांत नहीं दस प्रांत थे चलिए ऑप्शन है जो इसमें नहीं दिए हुए चलिए बिहार के साथ साथ बंगाल मद्रास बंबई संयुक्त प्रांत और असम में पहली बार द्वितीय सदन की व्यवस्था की गई थी पार्लियमेंटो भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस भारत स्वतंत्र अधिनियम उन्नीस सौ सैंतालीस एक सौ इक्कीस का आंसर बताइएगा क्या होगा जो एक सौ इक्कीस का आंसर बताइएगा क्या होगा चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे बिहार के साथ साथ बंगाल मद्रास महाराष्ट्र मद्रास मुंबई संयुक्त प्रांत असम में पहली बार द्वितीय सदन की व्यवस्था की गई थी किस एक्ट के तहत की गई थी जल्दी से बताइएगा एक सौ इक्कीस का आंसर क्या होगा एक सौ इक्कीस का आंसर क्या होगा बताइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे एक सौ इक्कीस का आंसर बताइएगा क्या होगा एक सौ इक्कीस का बी आंसर आ रहा है भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ उन्नीस एक सौ इक्कीस का सी आ रहा है चलिए और देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देगा लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं हो रहा है दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा चलिए बिहार में बंगाल मद्रास संयुक्त प्रांत और असम में पहली बार द्वितीय सदन की व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम उन्नीस और उन्नीस से जो दोस्तों है, जो चुनाव हुआ था याद है सुबह में पढ़ाए थे सुबह में पढ़ाए थे याद है कि नहीं याद है एक का है जो बी होगा एक का है एक का सी होगा आंसर एक का सी होगा चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए निम्नलिखित कथनों तो पर विचार करें बीस जुलाई उन्नीस को कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री श्रीकृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया तथा प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया श्री श्रीकृष्ण सिंह मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को वित्त मंत्री नियुक्त किया था राजेंद्र राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग को ठुकराए जाने के बाद 15 फरवरी उन्नीस सौ अड़तीस अर, को बिहार के प्रधानमंत्री श्री श्रीकृष्ण सिंह ने, ने त्याग पत्र दे दिया कौन सा कथन सही है एक दो एक तीन दो तीन एक दो तीन एक का आंसर बताइएगा क्या होगा जो जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त चलिए 122 का डी आंसर आ रहा है 122 का डी आंसर आ रहा है 122 का डी आ रहा है 122 का आंसर राजेश जी का डी आ रहा है और देखते हैं और देखते हैं जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से 122 का प्रवीण जी का बी आ रहा है एक और तीन आ रहा है एक और तीन आ रहा है चलिए और देखते हैं और देखते हैं जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा चलिए बीस जुलाई उन्नीस को कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का गठन किया और प्रधानमंत्री का पद है जो ग्रहण किया भैया राजेंद्र प्रसाद इसमें कोई मंत्री नहीं थे राजनीतिक बंदी की रिहाई की मांग को ठुकराए जाने के बाद 15 फरवरी उन्नीस को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने त्याग पत्र दे दिया था 28 महीने तक सरकार चली थी दोस्तों और उन्नीस में जो सभी प्रांतों से दोस्तों है, जो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था उसमें बिहार सबसे लास्ट में बिहार सबसे लास्ट में जो इस्तीफा दिया था चलिए एक हो गया एक आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कोलकाता में अठारह सौ बहत्तर ईस्वी में स्थापित बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था जो अठारह सौ चौहत्तर में पटना से प्रकाशित हुआ सर्वित पटना से प्रकाशित बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था द सर्च लाइट का हिंदी सब प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था मुंगेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका किसानों का मुख्य पथ हूंकार था कौन सा कथन सही नहीं है एक का बताइएगा कौन सा कथन है जो सही नहीं है एक का बताइएगा चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से चलिए बताइएगा 123 का आंसर क्या होगा 123 का आंसर क्या होगा बताइएगा 123 का आंसर क्या होगा बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कोलकाता में अठारह सौ बहत्तर ईस्वी में स्थापित बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था जो अठारह सौ चौहत्तर ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ सर्वित सी पटना से प्रकाशित होने वाला बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था द सर्च लाइट का हिंदी सा प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था मुंगेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका किसानों का मुख्य पत्र हूंकार था एक का बताइएगा क्या था जो एक का आंसर ए आ रहा है एक का ए आ रहा है सबका ए आ रहा है चलिए कौन सा कथन है जो दोस्तों सही नहीं है कौन सा कथन है जो सही नहीं है बताइएगा चलिए कौन सा कथन सही नहीं है आ जाइए देख लेते हैं कोलकाता में अठारह सौ बहत्तर में स्थापित हुआ बिहार बिंदु और है जो पहला पत्र अठारह सौ चौहत्तर में पटना से प्रकाशित हुआ सही है सर्वित पटना से प्रकाशित बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था द सर्च लाइट हिंदी का प्रकाशन है दोस्तों जो गुरु प्रसाद सेन नहीं है प्रदीप ने किया था किसने किया था प्रदीप ने किया था ध्यान रखिय और गुरु प्रसाद सेन है दोस्तों जो किसका किए थे गुरु प्रसाद सेन है जो किसका किए थे बिहार हेराल्ड याद है कि नहीं बिहार हेराल्ड बिहार हेराल्ड का है

जगपति देव पा चौधरी सतीश प्रकाश झा कहाँ से है जो दोस्तों है जो सही आंसर है सही आंसर बताइएगा एक का उनके गांव का नाम पूछ दिया दोस्तों उनके गांव का नाम है जो पूछ दिया है चलिए चलिए बताइएगा चलिए बताइएगा है जो सही आंसर क्या है से जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो एक सौ तेईस का ए आंसर है एक सौ तेईस का एक सौ चौबीस का आंसर बताना है एक सौ चौबीस का आंसर बताना है क्या होगा जो एक सौ चौबीस का आंसर बताना है क्या होगा जो एक सौ चौबीस का आंसर बताइए क्या होगा जो 124 एक सौ चौबीस का क्या आंसर होगा उमाकांत प्रसाद सिंह जगपति कुमार देवी सतीश प्रसाद झा बताइएगा सौ चौबीस का है जो दोस्तों है जो क्या था उमाकांत प्रसाद सिंह सारण के थे कहा के थे सारण के थे हाँ सतीश प्रसाद झा जो थे जो दोस्तों जो भागलपुर के थे जगपति कुमार जो दोस्तों है जो ये है जो आपका जगपति कुमार कहाँ के थे ये औरंगाबाद या मुंगेर के आसपास के थे चलिए कोई बात नहीं है जो ये है जो दोस्तों जो का है जो जो दोस्तों उमाकांत प्रसाद सिंह है जो खराठी के थे कहाँ पर कहाराठी के थे खराटी कहा है दोस्तों सारण छपरा में है सारण छपरा में ध्यान रखिएगा चलिए और है दोस्तों जो जगपति कुमार है जो सिलहट के थे सिलहट के थे सिलहट शायद मुंगेर में पड़ता है मुंगेर में है जो सिलहट है जो पड़ता है चलिए और सी है चौथरी है दोस्तों ये है जो नरेंद्रपुर के थे और है दोस्तों सतीश प्रसाद शाह जो दोस्तों भागलपुर के थे यह है जो खरहरा के थे चलिए यह है जो सबसे पहला गोली इसमें जो रामानंद को लगी थी रामानंद सिंह जो थे उनको है जो सबसे पहला गोली रामानंद सिंह को लगी थी चलिए तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है जो सही है बी ऑप्शन है जो सही है अली नेम घटना है घंटा है अली नेम जानते हैं अली नेम जानते हैं अच्छा अली नेम जानते हैं चलिए चलिए कोई बात नहीं याद रख लीजिएगा ये पूछता है ये पूछता है देख लीजिएगा ऐसे है जो इसका हम आ, ग्रुप में भी है जो डाल देंगे तो सबसे पहला गोली है दोस्तों रामानंद को लगी थी सबसे पहला गोली टोटल सात थे द सेवन मार्टियर्स ऑफ बिहार है जो दोस्तों है जो एक इंग्लिश में हम लोग को सिक्स सेवन में पढ़ना था द सेवन मार्टियर्स ऑफ बिहार बिहार के सात शहीदों की कहानी तो दोस्तों यही है जो सात शहीद थे जो दोस्तों है जो उसमें सबसे पहला गोली रामानंद सिंह को लगी थी चलिए सौ नामक बताइएगा संगठन स्थापित किया जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे समाजवादी पार्टी के किसानों और मजदूरों को संगठित करने और उन्हें आर्थिक न्याय दिलाने का उद्देश्य पर काम किया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दो चार एक दो चार एक दो तीन चार दो तीन चार एक सौ पच्चीस का आंसर क्या होगा बताइएगा एक सौ पच्चीस का आंसर क्या होगा बताइएगा चलिए जो भी जो भी देख रहे हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से बताइएगा 125 का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा जो एक सौ पच्चीस का बी आ रहा है एक सौ पच्चीस का एक दो चार एक दो चार चलिए बहुत बढ़िया और देखते हैं और देखते हैं मोसत इमाम जी का सी आ रहा है मोसत इमाम जी का सी आ रहा है और देखते हैं किन्हीं का क्या आता है जो जल्दी से बताइएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर करिएगा चलिए बहुत बढ़िया चलिए एक क्वेश्चन से जब पढ़ाया हुआ था उन्नीस सौ इक्कीस में गंगा शरण सिन्हा राम ब्रिक्स बेनीपुरी रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया उन्नीस सौ चौंतीस में औपचारिक रूप से आचार्य नरेंद्र देव मीनू मसानी जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था कब उन्नीस सौ चौंतीस में छदे हुए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण नहीं थे दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव थे आचार्य नरेंद्र देव थे कौन थे नरेंद्र देव थे और सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे सचिव है जो जयप्रकाश नारायण थे तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया तीसरा गलत तीसरा गलत है जो दोस्तों है जो अब है जो कौन है समाजवादी पार्टी ने किसानों और मजदूरों को संगठित करने के लिए आर्थिक न्याय दिलाने का उद्देश्य किया तो दोस्तों जो एक दो चार है जो ऑप्शन सही है एक दो चार है जो ऑप्शन सही है एक दो चार है जो ऑप्शन है जो सही है चलिए 125 का बी 125 का बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए अब आगे आंसर एक का बी चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए दुखी 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 आत्मा हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर किसने कहे थे राजकुमार महात्मा गांधी फिर मोहम्मद मुनीस गणेश शंकर विद्यार्थी 126 का बताइएगा क्या होगा जो 126 का आंसर क्या होगा बताइएगा 126 का आंसर क्या होगा बताइएगा <coughs> एक सौ छब्बीस का आंसर क्या होगा बताइएगा दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर किसने कहा था एक सौ छब्बीस का आंसर क्या होगा बताइएगा सौ छब्बीस का बी आंसर आ रहा है प्रवीण कुमार जी का बी आ रहा है सूरज जी का बी आ रहा है और देखते हैं क्या आंसर आता है जो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा मेरे भाई जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए जल्दी से बताइएगा 126 का आंसर क्या है जो प्रीति जी का आंसर भी आ रहा है प्रीति जी का आंसर भी आ रहा है प्रीति जी का आंसर भी आ रहा है 126 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने गलती किया है पीर मोहम्मद मुनीस पीर मोहम्मद मुनीस लिख लीजिएगा का आंसर नहीं आया है प्रीति जी का भी नहीं आया है सूरज जी का भी नहीं आया है प्रवीण जी का भी नहीं आया चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे लाइक 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 एंड 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 सब्सक्राइब 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 प्रीति जी कर कर दीजिएगा दीजिएगा आप चैनल को चलिए चलिए एक सौ सताईस सचिदानंद सिन्हा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए इनका जन्म दस नवंबर अठारह सौ इकहत्तर को सारण जिले में हुआ था बिहार को एक पृथक प्रांत में गठित करने का मुख्य श्रेय इन्हें जाता है 1909 में भागलपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए उपयुक्त में से कितने कथन है जो सही हैं बताइएगा 127 का बताइएगा प्रीति जी का आंसर आ रहा है 127 का सी आ रहा है चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा <laughs> जो भी देख रहे हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई मेरे बहन जल्दी से जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए आंसर बताइएगा का ऑल आ रहा है एक का ऑल आ रहा है और बताइएगा और बताइएगा आंसर है जो क्या आ रहा है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रवीण कुमार जी का ऑल आ रहा है और देखते हैं कि इनका क्या आता है जो जल्दी से आंसर बताइएगा सूरज सिंह जी का भी डी आ रहा है सूरज सिंह जी का भी डी, डी आ रहा है और बताइए और बताइए जो आंसर क्या आ जाएगा प्रीति जी का ऑल आ रहा है चलिए सभी का ऑल आ रहा है चलिए इनका जन्म दस दिसंबर अठारह को सारण में नहीं बक्सर में हुआ था बक्सर में जन्म हुआ था पहला ऑप्शन गलत है बाकी है जो दोस्तों तीनों ऑप्शन है जो सही है सी ऑप्शन सही हो गया सी ऑप्शन सही हो गया चलिए क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलिए चलिए गलत टाइपिंग हो गया था कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं गलत टाइपिंग हो गया था लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्रीति जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा दोनों कर दीजिएगा चलिए एक प्रभावती देवी जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष में बिहार की सक्रिय महिलाओं में थी इनके बारे में दिए गए तथ्यों पर विचार करें अजय प्रकाश नारायण की पत्नी और ब्रस्व प्रसाद की पुत्री थी चलिए तिलक स्वराज फंड में धन जमा करवाने की मुख्य भूमिका में निभाई थी इन्होंने अशिक्षा बाल विवाह पर्दा प्रथा आदि का विरोध करके नारी समाज को जागृत किया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है एक दो एक तीन दो तीन और एक दो तीन एक सौ अट्ठाईस का बताइएगा सही था मेरा हाँ अच्छा कोई बात नहीं सही है सही था सी ऑप्शन साहब का चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त एक सौ अट्ठाईस का डी आर आंसर चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा चलिए एक का आंसर बताइएगा क्या होगा जो एक का आंसर क्या होगा बताइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा एक का आंसर बताइएगा चलिए ए जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी जो प्रभावती देवी थी दोस्तों है जो दोस्तों सारण के थी सारण के थी और ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी तिलक स्वराज फंड में एक करोड़ रुपया जो ब, आ, जो दोस्तों है जो उन्होंने जो एक अगस्त 1920 को जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड बनाया था उसमें धन जमा करवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी

सचिदानंद सिन्हा एक सौ उनतीस का आंसर क्या होगा एक सौ उनतीस का आंसर क्या होगा बताइएगा 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 चलिए बताइएगा एक सौ उन्तीस का आंसर क्या होगा बताइएगा एक सौ उन्तीस का आंसर क्या होगा बताइएगा एक सौ उन्तीस का ए आ रहा है एक सौ उन्तीस का ए आ रहा है और बताइए एक सौ उन्तीस का सी आ रहा है सूरज जी का सी आ रहा है चलिए सहाय कितना बार बताए हैं कि जो जमींदारी प्रथा था समाप्त करने का कृष्ण बल्लभ सहाय को था बी ऑप्शन सही है कृष्ण बल्लभ सहाय को था किसको था कृष्ण बल्लभ सहाय को था बी ऑप्शन सही है चलिए चलिए ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को बिहार सचिवालय कांड में शहीद होने वाले सात शहीदों में से प्रथम कौन थे उमाकांत सिंह सतीश प्रसाद झा रामानंद सिंह जगपति कुमार एक सौ तीस का आंसर बताइएगा एक सौ तीस का आंसर बताइएगा क्या है जो एक सौ तीस का आंसर बताइएगा क्या है जो एक सौ तीस का आंसर बताइएगा क्या है जो एक सौ तीस का आंसर बताइएगा ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ बयालीस को बिहार सचिवालय कांड में शहीद होने वाले सात शहीदों में से प्रथम कौन थे उमाकांत सिंह सतीश प्रसाद झा रामानंद सिंह जगपति कुमार एक सौ तीस का आंसर क्या होगा बताइएगा चलिए अभी हमने बताया था और देखिए आगे आंसर आ गया रामानंद सिंह को दोस्तों जो पहली गोली रामानंद सिंह को लगी थी और सबसे पहले दोस्तों रामानंद सिंह शहीद हुए थे अभी हमने बताया था जो दोस्तों है जो छपरा के थे ये भी है जो सारण के थे दोस्तों चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बकास्त आंदोलन का संबंध सीमित किसानों की भूमि वापसी से था इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा में राहुल तथा कार्यानंद शर्मा ने किया था बकास्त आंदोलन की शुरुआत बिहार में स्वामी सहजानंद शुरू ने की थी में से कौन सा कथन सही है एक दो तीन एक तीन दो तीन और एक दो एक सौ इकतीस का बताइएगा प्रवीण कुमार जी का सी है सी 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 है सी है, सी है सबका सी आंसर आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से करवाइए चलिए 131 सौ इकतीस का आंसर बताइएगा क्या होगा जो 131 सौ इकतीस का आंसर बताइएगा क्या होगा जो जल्दी से आंसर बताइएगा 131 सौ इकतीस का क्या होगा जो 131 सौ इकतीस का डी आंसर आ रहा है एक सौ इकतीस का डी आंसर आ रहा है एक और दो आ रहा है चलिए और देखते हैं और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है जल्दी से बताइएगा आंसर जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है जो एक सौ इकतीस का डी आ रहा है चलिए और देखते हैं और देखते हैं जो भी देखना है लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा का बी आ रहा है सूरज जी का चलिए कोई बात नहीं अरे भैया सभी है जो बकाश आंदोलन का सीमित सीमित किसानों की भूमि वापसी था सिमित नहीं है सीमांत होगा गलत लिख दिया है सीमांत किसानों की भूमि वापसी से था पहला ऑप्शन सही है इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा में राव सर तथा कार्यानंद शर्मा ने किया था वकाश आंदोलन की शुरुआत बिहार में स्वाभिनंद शहजा ने किया था एक दो तीन है सीमित नहीं है सीमांत है इसीलिए गलत लिख दिया है सीमांत किसान इसको बोलते हैं सीमांत किसान सीमांत किसान है जो बोलते हैं उसको चलिए ध्यान रखिएगा सीमांत किसान है चलिए मुनगर समुदाय के हित में मोबिन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अब्दुल कलाम आजाद अली बाम सर सैयद अहमद का अब्दुल कमुई अंसारी एक सौ बत्तीस का आंसर क्या होगा बताइएगा एक सौ बत्तीस का आंसर क्या होगा एक सौ बत्तीस का आंसर क्या होगा बताइएगा एक सौ बत्तीस का आंसर क्या होगा बताइएगा एक सौ बत्तीस का आंसर बताइएगा बुनकर समुदाय के हित में मोबिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी अब्दुल कलाम आजाद अली इमाम सर सैयद like कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा मेरे भाई चलिए अब्दुल कईम अंसारी था बुनकर समुदाय के द्वारा मोमिन कांग्रेस दोस्तों अब्दुल कह अंसारी अब्दुल कहीम अंसारी थे चलिए चलिए नालंदा के बड़ा गांव में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था नालंदा महाविहार का दोस्तों जो पता है जो किसने लगाया था आर मैकेजीआरूट और कनिंगम जल्दी से बताएगा एक सौ एक सौ तैतीस का आंसर क्या होगा एक सौ तैतीस का आंसर क्या होगा बताइएगा चलिए सौ का आंसर क्या होगा 133 सौ तेतीस का आंसर डी आ रहा है सूरज जी का सी आ रहा है, के सामने है, जो फोटो लगाना है उसी को पढ़ रहे थे हम अभी कोई भेजा था ग्रुप में चलिए कनिंगम कनिंगम है जो दोस्तों है, कनिंगम है जो दोस्तों सही है चलिए आगे बढ़ते हैं सबका के नासरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए बिहार के मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है या भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम पुस्तक है वो बुक में से कौन सा कथन तय है एक दो एक दो ना तो एक ना तो दो एक सौ चौतीस का बताइएगा मेरे ही पास है बड़ा गांव ओके ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रवीण जी बहुत बढ़िया चलिए चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर बताइएगा चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर को जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तब काके नासरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें इससे बिहार के मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और है दोस्तों यह भारत का लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम पुस्तक है उपभुक्त तो में से कौन सा कथन सही है एक 134 का सी आ रहा है एक 134 का सी आ रहा है चलिए एक 134 का सी आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है बिहार के मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों जो तबका के नासरी से मिलती है और भारत की लिखी गई है दोस्तों जो प्रथम पुस्तक है ए और सी है। दोनों है जो दोस्तों सही है चलिए एक 135। बिहार के संदर्भ में जानकारी देने वाला पुस्तक और उनके सही की सुमेलन कीजिए वर्णा साखर अफसान शाही रियाज सलातीन बसातुल उल बताइएगा किसका है जो आंसर क्या सही होगा जो 135 का आंसर क्या सही होगा बताइएगा नालंदा खंडर का बड़ा बाग बगल में है अच्छा हाँ नालंदा खंडर के बगल में है, है ना चलिए एक का सी आंसर है एक का सी आ रहा है चलिए देख लेते हैं एक का सी है चलिए बहुत बढ़िया 135 बताइएगा चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं आ रहा है मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं आ रहा है जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे 135 का बताइएगा क्या होगा जो 135 का आंसर बताइएगा जल्दी से बताइएगा 135 का आंसर क्या होगा जो सौ पैंतीस का जल्दी से आंसर आना चाहिए चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है एक सौ पैंतीस का बताते हैं, बताते हैं बहुत बुक है रत्नाकर लॉ होता है ज्योति मने लॉ और बर्न याद रखिएगा बर्न रत्नाकर बर्न बर्न मने जलना ज्योति मने लो याद रख लीजिएगा ट्रिक है थोड़ा तो थके हुए हैं इसीलिए है जो अफसाने शाही शेख कबीर रियाल सलातीन देखो गुलाम हुसैन और बता उस है जो दोस्तों, ए जो दोस्तों है जो एक का पांच एक का पांच बी का है जो दो सी का चार और डी का वन बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है थोड़ा थक गए हैं दोस्त थोड़ा थक गए हैं आज चलिए क्या करें 135 तक हो गया ना क्या करें बंद कर देते हैं बंद कर देते हैं फिर है जो दोस्तों कल है जो दस क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको कल करवा देंगे आज हम थके हुए ज्यादा महसूस अब थक गए हैं हम इसीलिए एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो गया है तो दोस्तों है जो कल ऑफिस भी है तो थोड़ा जाना भी पड़ेगा ना तो यहीं तक है जो दोस्तों सफर को रखते हैं फिर है दोस्तों जो कल मिलेंगे जो भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा जो भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा चलिए तो आज का सफर को इतने यहाँ यहीं पर रखते हैं अब रहने दीजिए सर हाँ ठीक है जो भी लाइक एंड सब्सक्राइब प्रवीण जी अपने दोस्तों को भी जरूर है जो भेजिएगा जो भी है अपने दोस्त को भी भेजिए सब्सक्राइब करवाइए हमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है आप लोग ऊर्जा दीजिएगा तो और बढ़िया से जो दोस्तों है जो अभी डेढ़ महीना का समय है बहुत सारा चीज़ है जो करना है तो जरूर करेंगे तो दोस्तों आज का सफर को यहीं तक रखते हैं मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ धन्यवाद